मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज आपको कैची धाम का एक प्रसंग सुनाते हैं और आपको लिए चलते हैं कैची धाम। रात्रि का समय है, महाराज जी कैची के मंदिर प्रांगण में टहल रहे हैं और उनके साथ है सिद्धि माता। टहलते हुए उन्हें पूरी मिलती है प्रसाद की। आपको पता है कैची धाम में जो भक्त आते हैं उनको पूरी और आलू की सब्जी प्रसाद में वहां मिलती है, और वही किसी भक्त ने डाल दी होगी क्योंकि प्रसाद लोग लेते हैं और उसे बर्बाद भी कर देते हैं। तो वो जैसे पूरी जैसे दिखाई पड़ी, महाराज जी ने वो पूरी उठा ली और बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि कैसे लोग हैं ये, जो धन धर्म के लिए आता है उसे बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने उसमें से कुछ अंश सिद्धि माता को दिया और कहने लगे, प्रसाद है खा ले, जाने क्यों लोग इसको बर्बाद कर देते हैं, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। और ये कहते कहते वो स्वयं भी उस प्रसाद को पाने लगते हैं और उसमें से सिद्धि माता को दिया। मित्रों, अन्न जो है जीवन में प्राणों का संचार करता है और लोग बर्बाद कर देते हैं। कहा गया है कि खाओ मन भर और छोड़ो न कण भर, ये स्वामी योगेश्वरानंद गिरिजी महाराज कहा करते थे। तो जब भी भंडारा होता था वो माइक पे बोलते रहते थे और महाराज जी का तो आप देख लीजिए कि पूरी उठाई और खा ली। आपको मैं एक व्यवहारिक बात बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं। उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई थी, बहुत लोग मर गए थे, बादल फटे थे, शंकर जी का मंदिर बच गया था, और जब उस त्रासदी में कुछ लोग फंस गए थे जिन्हें पानी पीने को नसीब नहीं हुआ, जिन्हें लाशों पर रहना पड़ा, और उस त्रासदी में जो घोड़े खत्म हो गए थे, वहां घोड़ों पर जो लोग चलते थे तो उनकी जीन लेके और अपने को ठंड से बचाने के लिए घोड़े की जीन से कहते कि ये व्यवहारिक बातें हैं, प्रैक्टिकल हुआ। और वहां एक मेरे रिलेटिव हैं, उन्होंने बताया था कि रोटी का टुकड़ा जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला और वहां सहायता पहुंचाई गई तो हेलीकॉप्टर से वहां ब्रेड रोटी डाली गई, तो वो जैसे बालू में लग गई बहुत, तो उस रूप में रोटी का टुकड़ा, डबल रोटी का टुकड़ा लेते थे और झाड़ लेते थे जिसमें बालू लगी होती थी, इसको अब नहीं खा सकते, और उसे झाड़ के जीवन चलाने के लिए उसको खाते थे। वैसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं कभी कभी, वहां पता चलता है कि अन्न का महत्व क्या है। इसलिए मित्रों, मैं केवल एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी ने तो वो जो किसी भक्त ने वो पूरी छोड़ी होगी, महाराज जी को मिली और महाराज जी ने उसे ग्रहण कर लिया। अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत कीजिएगा क्योंकि उसमें प्राणी मात्र के जो जीवन संचार का माध्यम है या जीवन संचार की शक्ति है वो छिपी होती है और उसको हम बर्बाद कर देते हैं। भोजन करिए आप घर पर, तो जो थाली में आया हुआ है उसमें उतना ही लीजिए जितना स्वयं पूरा ग्रहण कर सकते हैं। लोग खाना खाने जाते हैं, होटल पे गए, खाना खाया और खाना खाने के बाद उसमें छोड़ दिया। पता है आपको, भले ही आपने उसके पैसे दिए हैं लेकिन उसमें जो अन्न आपने छोड़ा है वो अमूल्य है, वो पैसों से नहीं मिल सकता। ये अलग बात है कि होटल का अपना व्यवसाय है, ढाबा वाले का अपना व्यवसाय है, तो वो उसे आपको सर्व कर रहा है। लेकिन अगर समय पर हम सब नहीं चेतते हैं
इस कथा से ये संदेश ले लीजिएगा। आज मैं विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं कि प्रसंग तो मैंने सुनाया और ये प्रसंग तभी सार्थक होगा जो आप भोजन कर रहे हो उसमें कड़वर भी नहीं छोड़ें, पूरा का पूरा ग्रहण करें। जय बाबा की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।